अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मैम, यस मैम, आ रही है जी। बच्चों, मिड की डेट शीट भी आ गई है, आप लोगों को डेट भी पता चल गई होगी। 12 जुलाई को है, सिलेबस भी पता है। लेक्चर 3 से लेक्चर 10 तक हमारे इंक्लूडेड हैं। किसी को कोई इशू हो किसी भी लेक्चर में, और मुझसे पूछ लें, मुझसे लेक्चर के टाइम पे पूछना है, अलग से आके पूछना है, आ जाएं कैंपस में अगर आप लोग हैं, मुझसे ईमेल करके टाइम पूछ लें जब मैं अवेलेबल हूँ, या जो टाइम आप लोग आ सकते हैं मुझसे पूछ लें अगर मैं उस टाइम पे हूँ, तो डिस्कस कर लें आके, या ईमेल पे ही पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। उसके अलावा ये कि जो पैटर्न होगा उसमें ये कि एमसीक्यूज ही होंगे, सिर्फ एसीक्यू 2-3, या सिर्फ वो भी ऐसे जो कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, जैसे मैंने पूरा नोट लिखने को किसी में नहीं दूंगी, सिर्फ टू द पॉइंट कोई चीज होगी या कोई ऐसी चीज होगी तो सिर्फ वो पूछी जाएगी। बाकी ये कि जो भी आप लोगों ने पढ़ना है बहुत ज्यादा डिटेल, उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड। यही है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का बेसिक होना चाहिए, बहुत रट्टे वाली चीजें भी नहीं पूछी जाएंगी आप लोगों से। जो भी है पैटर्न, आप लोगों ने दो क्विज दिए हैं, आप लोगों को आइडिया है ही। एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स आज हम पढ़ेंगे, सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये, और ये जो है लास्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स में से, जो हमारी खत्म हो जाएगी आगे। फिर नेक्स्ट हमारा लेक्चर है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस का। एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स कौन से होते हैं? अच्छा, अभी तक हमने जो एंटीबायोटिक्स पढ़ी सारी, वो बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ, कोई भी चीज ऐसी थी जो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, बॉडी के ऊपर जो है वो कहने अटैक करती है, और उसकी वजह से कोई डिजीज कॉज होती है और हम उसको ट्रीट कर रहे थे। और उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी था कि हम उस ऑर्गेनिज्म को खत्म करें, वहां से उसको वहां से हटाएं, उसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप करें, उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म करें, तो फिर जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास न्यूप्लेजिया क्या चीज होती है, कैंसर क्या है, या न्यूप्लेजिया क्या है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है या एबनॉर्मल मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है सेल्स की, नॉन स्टॉप रैपिड मल्टीप्लीकेशन, उसकी वजह से जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ट्यूमर्स बन रहे हैं, उसे हम न्यूप्लेजिया कहते हैं। और ये हमारी ही बॉडी के सेल्स हैं जो जिनमें ये न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी आ जाती है और वो रैपिडली ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो भी हम न्यूप्लास्टिक एजेंट्स देंगे वो हमारी बॉडी के ही सेल्स पे उन्होंने एक्ट करना है। अब कब एक्ट करना है, मतलब अगर हमने न्यूप्लास्टिक एजेंट दिया तो हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि इन्होंने किन सेल्स पे एक्ट करना है, क्योंकि अभी तक हम दे रहे थे तो उसने होस्ट सेल को, फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल हमने दी है तो उसने होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करना है कि ये ह्यूमन सेल है, और उसने आइडेंटिफाई करना है कि ये मलेरियल पैरासाइट है, तो मैंने इसके ऊपर जाके पैरासाइट पे एक्ट करना है और होस्ट सेल को कोई भी किसी भी किस्म का डेंजर नहीं कॉज करना या उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। अब हम जो न्यूप्लास्टिक एजेंट्स दे रहे हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स दे रहे हैं इन्हें, ये तो जो सेल्स न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं वो भी हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं, तो हम किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वो उन्हीं सेल्स पे एक्ट करे जो कि रैपिडली ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और जिनमें न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, बाकी सारे सेल्स पे ना करे। उसके लिए ये है कि ये सारे एजेंट्स सिर्फ उसी टाइम पे एक्ट करते हैं जहाँ, जब वहां पे डिवीजन हो रही है, ठीक है, जिस टाइम पे रैपिडली डिवीजन हो रही है, जो माइटोसिस की वजह से, माइटोसिस ही होगी क्योंकि मियोसिस से तो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, तो जब सेल की माइटोसिस हो रही है तो वो उस माइटोसिस की जो स्टेप्स है उनके अंदर, सेल के अंदर जाके उस माइटोसिस को वहीं उन्हीं स्टेप्स पे स्टॉप कर देगा ताकि वो सेल्स आगे रेप्लिकेट ना कर सके, आगे डिवीजन ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये कि आगे वो ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा और ज्यादा न्यूप्लेजिया नहीं बढ़ेगा। ये फंक्शन है सारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का। अब कौन सा एजेंट किस स्टेप पे रोकता है उस माइटोसिस को और क्या किस चीज की फॉर्मेशन को वो स्टॉप करेगा, वो चीज है जो हमने इसमें देखनी है, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स है, उनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हम इनको कहते हैं। साइटोटॉक्सिक क्यों? क्योंकि सेल्स के लिए टॉक्सिक है, सेल्स को खत्म कर रही है, तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है। इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जिसमें सिस्प्लैटिन वगैरह है, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं और माइक्रोटिब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स हैं। आगे डिटेल पढ़ते हैं इनकी। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं और प्लांट डेरिवेटिव्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं,
एक तो ये हमारे पास हो गए जो हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, जो भी एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं हमारे, जो हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से करते हैं एक्ट के, वो जो एक हार्मोन दूसरे को एंटागोनाइज कर रहा है एक्शन, हम उस केस में देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट के कैंसर में अगर हम एंटी एंड्रोजन देंगे तो वो उसकी ग्रोथ को कम कर देंगे, वो दोनों का एंटागोनाइजिंग एक्शन होगा और उससे वो सप्रेस हो जाएगा। उसके लिए हम कौन से यूज करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन्स है और एंटी एंड्रोजन है, जो कि एक दूसरे की फंक्शन को एंटागोनाइज करेंगे और उससे हम अपना जो है वो नियोप्लास्टिक एक्शन, एंटी नियोप्लास्टिक एक्शन अचीव कर लेते हैं। इसलिए नियस एजेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सी यूरियासिस प्लांट इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले चलते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में जिसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या होता है कि ये जब हमने पेशेंट को मेडिसिन दी, ठीक है, वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर जाके अपना एक रिएक्टिव आयन बनाती है। वो रिएक्टिव आयन इसका जो बनता है, वो जो इसका रिएक्टिव आयन बना है वो जाके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस के साथ जो कि सेल में है। सेल में जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं और आगे प्रोलिफरेशन हो रही है, वो वहां पे जाके बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ करता है, अमाइन हाइड्रोक्सिल या सल्फाइड्राइड ग्रुप्स के साथ। और ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हम देते हैं ये बाई फंक्शनल होते हैं, यानी दो जगह पे जाके अटैच होते हैं। किस किस तरह से, कौन कौन सी जगह पे, पोजिशन 7 ऑफ ग्वानिन पे, N1 और N3 एडिनिन पे, N1 N3 एडिनिन की और N3 साइटोसिन की, यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। बाई फंक्शनल का से होता ये है कि ये इंटरचेन भी अटैच हो जाते हैं और इंट्राचेन भी अटैच हो जाते हैं, और ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोक रहे बल्कि रेप्लिकेशन को भी स्टॉप कर रहे हैं। किस तरीके से होता है, ये हमारे पास चेन है, ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन सेल में DNA की चेन है जिसमें जिसमें डबल हेलिक्स फॉर्मेशन हो रही होती है और वो DNA जो है माइटोसिस में एक से दो बनते हैं और फिर जो है वो आपस में इसकी क्रॉस लिंकिंग हो रही है। यहाँ पे जब ये क्रॉस लिंकिंग आती है यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं और वो आके अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जी से जीन अटैच हो रहा था, उसने उसको ब्रेक कर दिया, इस तरीके से ये अपना कोवलेंट बॉन्ड इनके साथ बना लेता है। और उससे क्या होता है कि रेप्लिकेशन एस फेज में थी वहीं पे रुक जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि DNA जो है वो अनपेयर रह जाता है और ससेप्टेबल हो जाता है अल्काइलेशन के लिए, ब्लॉक आ जाता है एट G2 फेज और जो सारे सेल्स हैं वो एपोप्टोटिक हो जाते हैं, यानी कि वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। समझ आई है किस तरीके से हुआ है ये? बच्चों समझ आई है? Yes, ma'am. इनमें कौन कौन सी आती है, नाइट्रोजन मिस्टार्ड्स हैं, इथाइलिनमाइन है, अल्काइल सल्फोनेट है, नाइट्रोस्यूरियाज है और ट्रायाजीन है। इसमें इम्पोर्टेंट साइक्लोफॉस्फामाइड है, क्लोरम्ब्यूसिल है। साइक्लोफॉस्फामाइड की एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरीके से वो मैकेनिज्म कर रही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है उसका। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही पुराना वो है जिसकी वजह से इसमें वो स्लाइड ही शो नहीं हो रही। चले मैं आपको वैसे ही बताती हूँ कि कैसे होगा। मैं मोबाइल पे इसको खोलती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग नोट कर लें इसको क्योंकि ये वो ये स्लाइड ही नहीं शो हो रही इसमें। क्या मेरा ख्याल है पावर पॉइंट वो नहीं है। होगा क्या कि इनएक्टिव साइक्लोफॉस्फामाइड हमने दिया, लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगा वो और वहां से उसके मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेजेस बनेंगे। जो इनएक्टिवेटेड साइक्लोफॉस्फामाइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड में, 4-हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड से देन बनेगा एल्डोफॉस्फामाइड, और वो एल्डोफॉस्फामाइड जो है वो सारे टिश्यूज में जाएगा और वो एक्चुअल साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसका दिखाया, इसके पूरे साइकिल है कि साइक्लोफॉस्फामाइड जो हमने दिया है वो एल्डोफॉस्फामाइड किस तरीके से बनाएगा, सॉरी फॉस्फामाइड मस्टार्ड जो बनेगा और वो जाके अपना साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करेगा। ये भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी तो फिर आप लोग उसमें से स्लाइड्स देख लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स है. एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्योरिन एंटागोनिस्ट एंड पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट. सबसे पहले हम आते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट पे. फोलेट एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, मेथोट्रेक्सेट एग्जांपल है. फोलेट्स क्या है, डीएनए की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं, प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और थायमिडाइलेट बनाते हैं, जो फिर आगे जाके डीएनए सिंथेसिस करती है और आगे वो सेल डिवीजन कराएगी. मेन एक्शन क्या है फोलेट एंटागोनिस्ट का, कि वो इंटरफेयर करते हैं थायमिडाइलेट सिंथेसिस के साथ, उसको ही फॉर्म नहीं होने देते. नॉर्मली क्या हो रहा है कि फोलेट जो है बॉडी में वो डाइहाइड्रोफोलेट बनाता है और डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, और इसके लिए हमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है. यहां से देखें, आप सिर्फ नीचे वाला स्टेप देखें, डाइहाइड्रोफोलेट से बनना है टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इसके लिए हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. मेथोट्रेक्सेट जो हम देते हैं, जो कि जो एंटीफोलेट है, फोलेट जो कि फोलेट एंटागोनिस्ट है, वो क्या करती है कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे इसके साथ अटैच होकर डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट ही नहीं होने देती. टेट्राहाइड्रोफोलेट असेंशियल है ताकि वो उसमें मिथाइल ग्रुप्स होते हैं और वो नेसेसरी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कराता है. टेट्राहाइड्रोफोलेट ने आगे क्या करना था, DUMP से DTMP बनवाना था. ठीक है, DUMP क्या है, डीऑक्सी यूरिडाइलेट मोनोफॉस्फेट, और DTMP क्या है, डीऑक्सी थायमिडाइलेट मोनोफॉस्फेट. DUMP से DTMP बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है ये अपना मिथाइल देगा टेट्राहाइड्रोफोलेट और फिर उससे बनता है. अब यहाँ पे क्या होगा कि जब टेट्राहाइड्रोफोलेट ही नहीं बन रहा तो DTMP नहीं बनेगा. ठीक है, और फिर आगे ना DNA बनेगा ना प्योरिन्स बनेगी. और जब DUMP से DTMP बन रहा होता है तो वहां पे जो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो है थायमिडाइलेट सिंथेटेज. यहाँ थायमिडाइलेट सिंथेटेज के साथ जो एंटागोनिस्ट करता है वो है फ्लोरोयूरेसिल, जो हम अगला पढ़ेंगे. और जब DUMP से DTMP बन रहा है तो टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा डाइहाइड्रोफोलेट बना देता है ताकि ये साइकिल रिपीट होता जाए. ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी आप लोग छोड़े, डाइहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनना है और उसके लिए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रिक्वायर्ड है. मेथोट्रेक्सेट इसके साथ अटैच हो जाएगा और टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देगा. ठीक है, मेथोट्रेक्सेट की हायर एफिनिटी है फॉर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो वो इनहिबिट कर देगा एंजाइम को और डिप्लीट कर देगा टेट्राहाइड्रोफोलेट से. नेक्स्ट हमारे पास चीज आई फ्लोरोयूरेसिल, जो कि हमने यहाँ पढ़ा. अभी आप लोग इसी डायग्राम से देख लें, फिर आगे आप जब स्लाइड्स अपलोड कर दूंगी फिर देख लीजिएगा. फ्लोरोयूरेसिल ने कहाँ एक्ट किया, थायमिडाइलेट सिंथेसिस पे एक्ट किया और DUMP से DTMP नहीं बनने देगा. ठीक है, प्योरिन एंटागोनिस्ट क्या करता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट भी इसी तरीके से 6-मरकैप्टोप्यूरिन इसकी ड्रग है जो सेल्स में जाके कन्वर्ट हो जाती है 6-मरकैप्टोप्यूरिन में, राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ 6-मरकैप्टोप्यूरिन में. वहां जाके वो जो सिंथेसिस हो रही होती है प्यूरिन की उसको सप्रेस करती है और उससे आगे फिर DNA सिंथेसिस नहीं होती. फ्लोरोयूरेसिल का जो एक्शन है वो भी हमने देखा कि वो पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट है और वो DUMP से DTMP नहीं बनने देगा, यहाँ पे एक्ट करेगा फ्लोरोयूरेसिल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लांट डेरिवेटिव्स. प्लांट डेरिवेटिव्स में क्या है, इस स्लाइड में जो फ्लोरोयूरेसिल की है इसमें इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें इसका फ्लोरोयूरेसिल का बताया हुआ. प्लांट डेरिवेटिव्स है, नेक्स्ट हमारे पास विनकल्क्लोइड्स आती है, इसमें विनक्रिस्टिन है, विनब्लास्टिन है और विंडिसिन है. ये किस लिए यूज होते हैं, माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं, ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, पोलीमराइजेशन को इनहिबिट करेंगे, माइक्रोटिब्यूल्स की और स्पिंडल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देते हैं. स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होती है, जब दो क्रोमोसोम्स आपस में अलग होते हैं फिर नए क्रोमोसोम्स के साथ मिलके वो माइटोटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन. माइटोसिस अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ पे वो मेटाफेज में ही अरेस्ट कर देते हैं. सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं और फेज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि सिर्फ तभी एक्ट करेंगे जब सेल साइकिल में है, माइटोसिस उसमें चल रही है तभी, और फेज स्पेसिफिक है कि सिर्फ मेटाफेज पे जाके ही एक्ट करेंगे जहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है,
आप लोगों को शायद याद हो माइटोसिस, तो वो एक पोल सा बना लेते हैं और उस पर सारे क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इसको। टेक्सेन्स हैं, ये भी हम डिराइव करते हैं योर ट्री से, रिवर्सिबली बाइंड कर जाता है ट्यूबुलिन के साथ और इसी तरीके से स्टेबल नॉन फंक्शनिंग माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है और जो है ना वो इससे नॉन फंक्शनिंग जो है ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं और वो आगे प्रोलिफरेट नहीं करते। माइटोसिस के साथ ही इंटरफेयर करता है और सेल डेथ कॉज करता है। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स हैं, इसमें एटॉक्साइड मोस्ट कॉमन है, ये सेमी सिंथेटिक है, इनहिबिट करती है टोपोआइसोमेरेज 2 एंजाइम को जो कि डीएनए को डैमेज करता है, ब्लॉक कर देती है सेल को एस से लेके जी टू फेज में। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स क्या रोल प्ले करती हैं, डक्टिनोमाइसिन है, ये क्या करती है अगर हम इसे देंगे तो ये डबल हेलिक्स जो होता है डीएनए का जो अभी देखा था हमने जी सी बेस पेयरिंग है जहाँ पे वहाँ पे जाके इंटरफेयर करती है और मूवमेंट करवाती है आरएनए पॉलीमरेज की अलॉन्ग विद जीन और प्रिवेंट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन को। इसके अलावा स्ट्रैंड ब्रेक भी करवा देते हैं और स्टेबलाइज कर देती है डीएनए टोपोमेरेज 2 कॉम्प्लेक्स, टोपोआइसोमेरेज 2 कॉम्प्लेक्स। डॉक्सीरिबोसिन भी डीएनए के साथ बाइंड कर देती है और इनहिबिट कर देती है दोनों डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को, ब्रेक कर देती है डीएनए स्ट्रैंड्स को टोपोआइसोमेरेज 2 को एक्टिवेट करके और वहां पे उसके सीशन कॉज करती है, वो वहीं से कट हो जाते हैं। सेमीक्विनोलोन रेडिकल्स क्या काम करते हैं, कि वो फ्री ऑक्सीजन बॉडी में आ जाती है, फ्री ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होती है या फिर H2O2 की फॉर्म में होती है जो फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है ना उसको उसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे एक्ट करते हैं और वहां से वो कट जाती है, सीजन हो जाती है उसकी। ब्लियोमाइसिन मेटलसिलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करती है चिलेशन कर देती हैं कॉपर और आयरन आयंस की जो कि फिर सुपर ऑक्साइड आयंस बनाते हैं जो इसी तरीके से फिर डीएनए पे एक्ट करेंगे, जो डीएनए पहले का बना हुआ होगा उसे भी डिग्रेड कर देंगे, चेन फ्रेगमेंटेशन कर देंगे और फ्री बेसिस रिलीज हो जाएंगी। हॉर्मोन्स हैं, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मैंने बताया था कि किस तरीके से एक्ट करेगा, इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाते हैं अपने, मोस्ट कॉमन इसमें हम प्रेडनिसोलोन यूज कर रहे हैं या डेक्सामेथासोन है। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं अपना, ल्यूकीमियाज या लिम्फोमास में यूज करते हैं। ल्यूकीमिया क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स की जो प्रोलिफरेशन हो रही है एबनॉर्मल उसे ल्यूकीमियाज कहते हैं, ब्लड कैंसर जिसे मोस्ट कॉमनली कहते हैं, लिम्फोमास भी लिम्फ नोड्स के जो होते हैं कैंसर उनको कहते हैं। होता क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में पोटेंशियल होता है कि रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को लोअर डाउन कर देते हैं और इससे ये होता है कि जो एंटी कैंसर के साइड इफेक्ट्स हैं उसको ये कम कर देते हैं और एज सपोर्टिव थेरेपी हम इसको फिर यूज कर लेते हैं। एस्ट्रोजेंस में डाइथाइल सिल्बेस्ट्रॉल और एथिनाइल एस्ट्राडायोल दो एस्ट्रोजेंस हैं जो क्लिनिकली यूज कर रहे हैं हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट में, खासतौर पर एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोस्टेटिक ट्यूमर्स में। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, जो एक्चुअली में ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब हमें ये चीज़ पता है कि ये पेशेंट या इसका जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे या वो नहीं हो रहे, लेकिन जितनी भी लाइफ बाकी है हम उसको बेटर कर रहे हैं, पेन फ्री कर रहे हैं या बेटर कर रहे हैं कि जितनी भी है वो क्वालिटी लाइफ गुजर जाए, हालांकि हमें ये बात पता है कि इसका कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स अगर दे देंगे तो उससे भी ये ट्रीट हो जाते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रोजेंस जो है ये जो जितने भी एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं या हमें जो भी है, ये सेल्स पे सिर्फ तभी एक्ट करेंगे जब वो अपने प्रोलिफरेटिंग फेज में होंगे, ठीक है, जब वो डिवीजन कर रहे हैं। इसी वजह से जो लेटेंट मेमोरी कैंसर सेल्स पड़े हुए थे उन पे ये एक्ट नहीं कर रहे थे। एस्ट्रोजन का काम क्या होगा कि अगर हमने एस्ट्रोजन दिए तो वो जो रेस्टिंग सेल्स थे जो लेटेंट पड़े हुए थे कैंसर सेल्स उनको दोबारा से वो सर्कल में लेकर आता है प्रोलिफरेटिंग सर्कल में, और जब वो वहाँ दोबारा प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स उन पे एक्ट करके उनको किल कर देते हैं। इस तरीके से एस्ट्रोजन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की कि वो उनको डैमेज कर सके। प्रोजेस्टेरॉन्स यूज हो रहे हैं एंडोमेट्रियल न्यूप्लाज्म में, रीनल ट्यूमर्स में, और वो भी टेम्परेरी रिमिशन कॉज करते हैं। एंटी एंड्रोजेंस है, फ्लूटामाइड है इसमें, ये भी एंड्रोजन एंटागोनिस्ट है, प्रोस्टेट ट्यूमर्स में यूज करते हैं क्योंकि वो इंक्रीज कर देगा एंड्रोजन लेवल्स को। मिसलेनियस ड्रग्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सी यूरियाज आती हैं, वो क्या करेंगी राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगी बनने देंगी, राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करके तो डीएनए नहीं बनेगा। सिस्प्लैंटिन है, अगेन इसका मिसिंग है,
सिस्प्लैटिन क्या करता है, सेल में एंटर होने के बाद इसमें से क्लोराइड आयन डिसोसिएट होता है जो कि रिएक्ट करता है डीएनए के साथ. जब वो डीएनए के साथ रिएक्ट करता है तो क्रॉस लिंकिंग जो है N7 पे और O6 पे गुआनिन मॉलिक्यूल्स की वहां पे डिस्ट्रप्शन कॉज करता है और लोकल डीजेनरेशन वहीं पे डीजेनरेशन हो जाती है डीएनए के. नेक्स्ट है हमारे पास एल एस्पार्जिनेस. ये क्या करता है, ईकोलाई से प्रिपेयर किया हुआ एक एंजाइम है, डीएमआईनेट करता है एस्पार्जिनिन को एस्पार्टिक एसिड में और अमोनिया में जो कि ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, फॉर जैसे कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी यूज होती हैं इसमें, फॉर एग्जांपल रिटोक्सिमाब एक्टिवेट कर देती हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम को कि वही किल कर दे कैंसर सेल्स को जो कि बीटा सेल लिम्फोमा में यूज हो रही हैं. एंटी कैंसर ड्रग्स जितनी भी हैं उनकी रेजिस्टेंस बॉडी में डिवेलप हो जाती है. क्यों हो जाती है, डिक्रीज एक्यूमुलेशन हो जाती है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की, डिक्रीज हो जाती है अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि सेल अपटेक करे, इनसफिशिएंट एक्टिवेशन हो जाती है ड्रग की, यानी कि वो जितनी ड्रग हमें चाहिए थी एक्टिवेटेड रिक्वायर्ड उतनी एक्टिवेशन ही नहीं हुई उसकी, इनएक्टिवेशन हो या फिर जो ड्रग ली है उसकी जल्दी एक्टिवेशन हो रही है, या फिर जो टारगेट एंजाइम था उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, डिक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर सबस्ट्रेट यानी कि वो सबस्ट्रेट ही प्रेजेंट नहीं है जिसपे उसने एक्ट करना इतना ज़्यादा है ही नहीं, तो वो रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा ड्रग ले लिए तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवेज एंटी मेटाबोलाइट्स में ऐसे होता है कि अगर एक तरीके से वो ग्रो कर रहा था आपने उसके अगेंस्ट दे दी तो वो दूसरे किसी तरीके से प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाए, या फिर ये सेल कैलेटिंग एजेंट्स थे जो सेल्स को किल कर रहे थे वो उनके जल्दी से रिपेयर उनमें स्टार्ट हो जाए और वो दोबारा से प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दें, या फिर ऑल्टर्ड एक्टिविटी हो जाए टारगेट की जैसे कि मॉडिफिकेशन हो जाए टोपोइसोमेरेज 2 की और फिर वो दोबारा से स्टार्ट कर दे, म्यूटेशंस हो जाए वेरियस जीन्स में जो कि फिर रेजिस्टेंट कर दें टारगेट मॉलिक्यूल्स को. ये सारे वो मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की या एंटी कैंसर ड्रग्स की रेजिस्टेंस बॉडी में डिवेलप हो जाती है. इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या देंगे, फिर के कॉम्बिनेशन में देंगे, कॉम्बिनेशन इसलिए बेहतर है मोनोथेरेपी से क्योंकि रेजिस्टेंस भी जल्दी डिवेलप नहीं होगी, दूसरी चीज़ ये है कि वो एक दूसरे को एडिटिव इफेक्ट देंगे और एक दूसरे को ट्रीटमेंट में सपोर्ट करेंगे. जो कॉम्बिनेशन रिजीम्स यूज होती है मोस्ट कॉमनली उसमें POPM और VAMP. POPM लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में, VAMP यूज हो रही है एक्यूट ल्यूकीमिया में. इनके बेशक आप लोग ये वाले नाम ना याद करें लेकिन इसमें तो प्रेडनिसोलोन है, ऑनकोविन है, प्योरेंथॉल है और एम से फिर मेथोट्रेक्सेट है. VAMP में विनक्रिस्टिन है, ए से एमिथोप्रिन है, मेथोट्रेक्सेट आप लोग ये नाम याद ना भी याद रखें आपको मेडिसिन याद रखें मेथोट्रेक्सेट है तो भी सही है लेकिन वो क्योंकि एब्रिविएशन के साथ है इस वजह से आप लोगों को यूज ज्यादा आसान होगा. मरकेप्टोप्यूरिन है और प्रेडनिसोलोन है जो एक्यूट ल्यूकीमिया में यूज किया है. ये टोटल है. अब एक फिगर जो हम लोगों ने बीच से स्किप की थी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी ड्रग्स का उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी क्या मैकेनिज्म शो कर रही है और ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है इस पे, और अगर कोई और चीज आप लोगों को लगे वो भी बेशक इसके साथ ही ऐड कर लें. हो क्या रहा है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन की सिंथेसिस हो रही है जिससे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं जो नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बने, राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे जिससे आगे डीएनए बनेगा, उस डीएनए से फिर आरएनए बनते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए. वो आरएनए आगे प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन्स आगे माइक्रोटिब्यूल्स बनाती हैं और एंजाइम्स बनाती हैं. अब हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं वो इस पूरे जो हमारा प्रोसेस चल रहा है इसके किसी ना किसी प्रोसेस में आके इफेक्ट करेंगी और उसे स्टॉप करेंगी. फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े, उनका क्या काम है कि वो डीएनए की क्रॉस लिंकिंग जहाँ पे थी उस पर आके एक्ट करती हैं. ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी और सिस्प्लैटिन भी ये एक्ट करेंगी डीएनए पे. नेक्स्ट हमने पढ़ा डॉक्सोरिबोसिन इटोक्साइड जो कि हमने पढ़े ये एंटीबायोटिक्स, इन्होंने क्या करना है इनहिबिट करना है टोपोआइसोमेरेज 2 को. वो कहाँ पे होता है, वो भी डीएनए में जो स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करवा रहा था. इसके अलावा आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी डीएनए से जब आरएनए बन रहा है वहां पे ये इनहिबिट करती है. विनकालकलॉइड से इनहिबिट करते हैं फंक्शन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स को, यानी कि माइक्रोटिब्यूल्स पे एक्ट करेंगे. 5-फ्लोरोयूरेसिल है, इनहिबिट करता है डीटीएमपी सिंथेसिस को तो वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनने देगा. ब्लियोमाइसिन थी, वो भी एंटीबायोटिक्स हैं, डैमेज कर देती हैं डीएनए को और उसके रिपेयर को प्रिवेंट करती हैं, यानी कि वो भी डीएनए पे ही एक्ट करेंगी.
ये पेंटोस्टैटिन ये हमने पढ़ा नहीं है, ये इनहिबिट करता है एडिनोसिन डीएमआईनेज को। सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन है, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्यूरिन से राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देगा और इनहिबिट करेगा न्यूक्लियोटाइड की इंटर कन्वर्जेंस को। मेथोट्रेक्सेट है, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और डीटीएमपी की सिंथेसिस को इनहिबिट किया था इसमें। सिट्राबीन है, ये भी हमने नहीं पढ़ी लेकिन ये आप लोग देख लें कि इनहिबिट करेगी डीएनए पॉलीमरेज को और आरएनए के फंक्शन को। ये हमने दोनों ही लास्ट वाली नहीं पढ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को एक ही उसमें मिल गए हैं कि कौन सा कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और इसी में ऐड करके जो अगर कोई कोई किसी की और कोई स्पेशल चीज़ है कि कौन सा हार्मोन था जिसपे एक्ट करने या क्या है, तो वो पूरा आपका एक ही फ्लो चार्ट से याद हो जाएगा। ईजी ड्रग्स हैं ये, एंटी न्योप्लास्टिक भी। और बस इतना ही लेक्चर था, अदर डिटेल किसी भी ड्रग की नहीं लिखी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से इनको डिस्कस किया है, मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है। बाकी ये कि रेजिस्टेंस इनकी किस तरह से है उसका एक खास तौर पे याद कर लीजिएगा। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें बच्चों। मैम जी बच्चे, मैम जो मिड टर्म में रेसिडुअल टाइम वो उसका कोई आइडिया है मतलब जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह पूछ रही हैं? नहीं नहीं बच्चे, टू द पॉइंट पूछा जाएगा, कोई इस किस्म के नहीं होंगे। ऐसा करेंगे मिड से पहले इंशाल्लाह मैं एक मीटिंग भी रखूंगी जिसमें आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगी किस तरह से तैयारी करनी है और क्या चीज करनी है। ठीक है? यस मैम प्लीज। ठीक है ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।